एक चटपटी सी हरी चटनी और वो भी व्रत वाली, उसके साथ साबुदाना बड़ा। साबुदाना बड़ा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि साबुदाना बड़ा जो होता है वो डीप फ्राइड होता है या सैलो फ्राई होता है। आज हम बनाएंगे साबुदाना आपे, जो साबुदाना आपे की बस एक ड्रॉप घी से ही बना है और अंदर से देखिए कितना अच्छा पका हुआ है। इस चटपटी हरी चटनी के साथ आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और चलिए मैं आप लोगों को झटपट रेसिपी बताती हूँ। जय जगन्नाथ। अब सबका स्वागत है मेरे चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कप साबुदाना लिया था जो कि बड़ी वाली साबुदाना है, बड़े दाना वाला साबुदाना। उसको दो बार अच्छे से पानी से धोने के बाद आधे कप पानी से मैंने भिगो दिया था। भीगने के बाद थोड़े से साबुदाने में मैंने नमकीन बनाई थी, साबुदाना नमकीन, जिसका लिंक अगर आप पहले से नहीं देखे हैं तो आई बटन पे दे दूंगी। और थोड़े से साबुदाना जो बच गया उसमें आज चलिए ये आपे बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैं साबुदाना दिखा रही हूँ, हाथ में कितने अच्छे से मैश हो रहा है और हाथ में जैसे फूल की तरह गिर रहा है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी हम एक हरी मिर्च, हरा धनिया और एक इंच टुकड़ा अदरक, अदरक को ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च और हरी धनिया को बारीकी से काट लिया है। अब चाहें तो इसमें आधा छोटे चम्मच जीरा डाल के मिक्सी जार में बिना पानी डाले पीस भी सकते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों के मुंह में नहीं आएगा और बच्चे खुशी से खा लेंगे। तीन उबले हुए आलू, उसको भी मैश करके डाल दिया। आधा कप मूंगफली ड्राई रोस्ट किया, मतलब कढ़ाई गर्म करके उसमें डाल के 5 से 6 मिनट बस हल्का सा भून लिया, फिर छिलका निकाल के दरदरा पीस लिया। स्वादानुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। अगर आप लोग भुना हुआ जीरा पाउडर व्रत में नहीं खाते तो अदरक और हरी मिर्च और धनिया के साथ आप जीरा पीस भी सकते हैं या आधा छोटे चम्मच साबुत जीरा डाल भी सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी सारे सामग्रियों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमें इसका बड़ा बनाना है तो मैं क्या करूँगी, हाथ को ऐसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लूँगी और छोटी सी एक लोई की तरह इसका एक बॉल बना लूँगी। आप देख सकते हैं मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों एक बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारा बॉल बना के तैयार कर लेंगे और मैंने कर लिया है। साबुदाना बड़े के लिए तो बॉल रेडी हो गए हैं, अब चटनी बना लें। तो थोड़ा सा धनिया, जिस मिक्सी जार में मैंने मूंगफली को दरदरा पीसा था उसी में ही मैं धनिया डाली, हरी मिर्च, जीरा, आधा इंच टुकड़ा अदरक और उसके साथ बस 1/4 कप मैं यहाँ पे मूंगफली डाल रही हूँ या 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने, भुना हुआ मूंगफली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। हमने अभी तक नमक नहीं डाला तो यहाँ पे सेंधा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और आधा नींबू का रस उसको भी निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद ढक्कन लगा के इसको एक बार और पीस लेंगे। ये चटपटी सी चटनी आप एक बार खाएंगे ना तो आपको इडली डोसे के साथ भी खाने को मन करेगा या जो आपे आप नाश्ते के लिए बनाते हैं उसमें भी खाने को मन करेगा। तो दोस्तों चटनी तो तैयार हो गया, अब आपे बनाते हैं। आप लोग देखिए मैं कितना घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इससे भी कम घी में आप बना सकते हैं। जस्ट मतलब एक जो हमारी जो ब्रश होती है ना उसमें भी आप पैन को ग्रीस करके उसमें भी आप बना सकते हैं। इतना घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो साबुदाना आपे का जो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही हेल्दी प्रोसीजर है। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद बस इसको ऐसे हम पलट लेंगे। ये देखिए चारों ओर से हमें इसको बस गोल्डन कलर करना है और कुछ नहीं। हर मतलब फिर से मैं 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ ताकि साबुदाना अच्छे से पक जाए। अभी और नहीं ढकूंगी और 2 मिनट के लिए दोस्तों बस ऐसे घुमा घुमा के चारों ओर से मैं इसको रोस्ट करूंगी। इस तरह देखिए आप देख सकते हैं चारों ओर से अच्छे से कितने अच्छे से सुनहरा रंग हो रहा है और कितने अच्छे से पक भी रहा है और घी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अगर हम चाहें तो इस पैन को बस मतलब ब्रश से भी ग्रीस करके हम इस आपे को बना सकते हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो जल्दी जल रहा है, उसीलिए मैं इसको निकाल देती हूँ और जो 3 आपे मेरे बचे हैं मैं इसी बीच वाले पार्ट में ही पहले डाल के फिर
फिर बाकी सारा जो आउटर पार्ट है उनको निकाल लूंगी। दोस्तों, ये जो हेल्दी सा साबुदाना रेसिपी, सिर्फ व्रत क्यों, ऐसे कभी चाय के साथ स्नैक्स के टाइप पे खाने को मन करे तो कैसा रहेगा, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देने के लिए मन करे तो कैसा रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ कि नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और आगे बढ़ने के लिए मुझे कॉमेंट करके मुझे आप लोग आप लोगों की कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ये जो एक साबुदाना तोड़ रही हूँ ना, ये चटनी के साथ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, मैं अपने बेटे को एक देके आती हूँ। तो नई रेसिपी के साथ फिर से जल्दी मिलते हैं। जय जगन्नाथ।